यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। नमस्कार, एस न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सोताम अमृततुल्य चाय पॉइंट की ग्रैंड ओपनिंग, बीजापुर शहर के सीएमसी कॉम्प्लेक्स नियर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बबलेश्वर नाके के करीब सोताम अमृततुल्य फ्रेंचाइजी के निगम अध्यक्ष विजू गौड़ा पाटिल के हाथों ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी की गई। इसके चलते हमारे माध्यम से डॉक्टर जावेद जमादार, एडवोकेट अब्दुल समद सुतार, डायरेक्टर सदाम अमृततुल्य फारूक होन्नल्ली ने बात कर जानकारी दी। इस ग्रैंड ओपनिंग में प्रिंस सलमान शेख, प्रिंस अरबाज शेख, इनके अलावा मोहम्मद फरहान शेख, साहिल बेपारी, सिराज बेपारी और भी कई सियासती और सामान्य लोग रहे मौजूद। सौदम अमृतालय जो नवी फ्रेंचाइजी यहाँ पर जोरापुर पेट में आज इसका आगाज हो गया है। हमारे फ्रेंड और एमडी फारूक पन्नली, इन्होंने आज एक फ्रेंचाइजी के मुताबिक उन्होंने कर्नाटक में बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी की चाय देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ब्रांड आज पूरे स्टेट में जाना माना है। बहुत से फ्रेंचाइजी उनके खुल रहे हैं पूरे स्टेट में, अलग अलग दीगर सिटी में भी। आज यहाँ बीजापुर में ओपनिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा ब्रांड लोगों की सेहत के लिए और ऑर्गेनिक जो केमिकल फ्री जो चाय इनका देने का मकसद है, ये बहुत ही सराहनीय है। उसके साथ ही आज यहाँ मैं चाय का टेस्ट भी कर लिया, जो अलग फ्रेंचाइजी में जो मिलते हैं केमिकल बेस्ड, उससे हटकर एक क्वालिटी में एक उमदा अपना नाम कमाएगा ये फ्रेंचाइजी स्वादम अमृतालय। और भी देश भर में इनके फ्रेंचाइजी बनेंगे और आगे अच्छी सेहत के लिए ये लोगों को क्वालिटी चाय का लुफ्त लेने का मौका देंगे। ऐसी मैं उम्मीद करते हुए इस फ्रेंचाइजी कामयाब हो और यहाँ से लोग उसका लुत्फ़ उठाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम स्वादम अमृतालय चाय के शॉप कर ओपनिंग कराए हैं। मैं बीजापुर की जनता से, लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ पर आए, सभी इस चाय का टेस्ट करें। ये बहुत एक हेल्दी चाय है, कंपनी वालों का दावा है। यहाँ जो भी चाय पियेंगे उनकी सेहत उल्टा अच्छी होगी, ख़राब नहीं होगी, और ये गर्मी में उल्टा ठंडक देगी। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि यहाँ पर आए, आकर यहाँ पर एक बार चाय का टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर शहर में स्वादम अमृततुल्य की आगाज़ की है। ये पूरे कर्नाटक में 11वां फ्रेंचाइजी है। हमारा मकसद विदाउट केमिकल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से लोगों को चाय पिलाना और हाइजीन तरीके से चाय पिलाना, ये हमारा मकसद है। लोग फ्रेंचाइजी के नाम पर मनमानी तरीके से पैसा लेकर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। हमारा मकसद बस इतना ही है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कस्टमर को। और चाय के बारे में अगर बोलूं तो चाय हमारी सब चाय से बहुत अलग है, क्योंकि सब इसमें रिसर्च करके हर एक चीज़ जो चीज़ बेनिफिट है वो हिसाब से भी, और जो चीज़ टेस्ट के लिए सही है वो हिसाब से बारीकी से उसको हमने इन्वेस्टिगेशन करके फाइनलाइज किया है। तो चाय में सिर्फ हमारी नॉर्मल चाय के अलावा भी कम से कम 10-15 किस्म के चाय आपको मिलेंगे। जैसे कि स्वादम अमृतुल्ला चाय है, गुड़ की चाय है, जैगरी टी, शुगर फ्री टी है, लेमन टी है, ऐसे कम से कम 15-20 नमूने के चाय आपको यहाँ पर मिलेंगे। चाय का प्राइस एकदम नॉमिनल है। स्वादम अमृतुल्ला चाय 10 रुपये में आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी 10 रुपये में आपको मिलेगी। लेमन टी आपको 10 रुपये में मिलेगी। सब नॉमिनल प्राइस में ही रखा है ताकि हर कोई इसको एफर्ट कर सके। और खासियत इसकी ओरिजिनलिटी है, हम दूध में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। प्योर 6.5 या 7 फैट का हम फुल क्रीम दूध यूज़ करते हैं।
और हम चाय पत्ती में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, शुगर में भी अलग अलग किस्म के शुगर आते हैं, हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए हम एक कांस्टेंट टेस्ट के लिए और हेल्दी टेस्ट के लिए हम उसका रेट 10 रुपये रखें। हाँ, उसमें एक पर्सनल इंग्रेडिएंट होता है जो वो रिसर्च टीम के द्वारा बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ और जो हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं वो सब चीज़ें उसमें रहते हैं। बीजापुर में फर्स्ट है, ओवरऑल कर्नाटक में टोटल 10 है, टोटल ये मिला के 11। कर्नाटक में ब्रांच है? हाँ बिल्कुल ब्रांच। तो बीजापुर में आप दूसरा ब्रांच देंगे तो कितने? हम बीजापुर से तो इंक्वायरी बहुत आ रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम जो बीजापुर को जो फ्रेंचाइजी दिए हैं उनको पूछते हैं कि हमको दूसरे और फ्रेंचाइजी पूछ रहे हैं ये एरिया से, आप इस एरिया से कंफर्टेबल है और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर अगर लोकेशन होगा तो हम उनको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। मेरा नाम फारूक हन्नल्ली है और मैं डायरेक्टर ऑफ स्वादम अमृतुल्ला का डायरेक्टर हूँ।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.